भाई भाई भाई, रॉक म्यूजिक डाल दिया है, सिनेमैटिक शॉट्स डाल दिए हैं, अब शुरू करते हैं हम कहानी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ थाम लीजिए, क्योंकि टेम्पो यहाँ से थोड़ा सा बढ़ने वाला है। हेवलॉक के अमेजिंग बीचेस पर जिंदगी के पूरे मजे लेने के बाद उदास मन से मैं निकला हेवलॉक से, पर मैं ये बात भूल गया था जहां मैं जा रहा हूं वो भी तो इसी जन्नत का एक हिस्सा है। ये है नील आइलैंड, अमेजिंग अंडमान सीरीज का चैप्टर 2। मैं हूं आम यात्री और फ्रेंच कनेक्शन यूके दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम तो जन्नत में घूम रहे हैं बाबा। सो फाइनली टाइम आ गया हैवलॉक को छोड़ने का, बट कहीं से निकलेंगे तभी तो कहीं पे पहुंचेंगे। हैवलॉक के बाद आई एम गोइंग टू नील आइलैंड, और उसके लिए अगेन आई हैव टू टेक फेरी। कैब से जाएंगे, उसके बाद जेटी से फेरी लेंगे, और वो राइड बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। सो लेट्स गो टू नील आइलैंड। तो इसी बोट में, ग्रीन ओशन में मैं आया था पोर्ट ब्लेयर से, और इसी बोट में मैं जा रहा हूँ वापस नील आइलैंड, बिकॉज काफी सही बोट है ये, इसके डेक पे जाने के लिए अलाउ कर देते हैं, दिस इज द ओनली रीजन। नहीं तो ये बाकी ऐसी बोट्स है जिसके डेक पे आप नहीं जा सकते, आपको अंदर ही बैठना पड़ेगा इनक्लोज एरिया पे, बट ग्रीन ओशन में आप ऊपर डेक पे जा सकते हैं आफ्टर 20 मिनट। सो लेट्स गो। आगे न जाने होगा क्या, बीता जो पल वो भूल गया, आज मैं थोड़ा जी लूं, मैं इस पल के साथ में हो लूं, मैं जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, रूठे ना तू मुझसे, ले ले थोड़ा प्यार उधार। इस कहानी में ट्विस्ट आया जब देखा ग्रीन ओशन बोट का टैग सुबह 11 बजे डीजे फ्लोर बन चुका है, और बड़ा मजा आया सुबह सुबह इतनी एनर्जी देख के। 1.5 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंचे छोटे और क्यूट से नील आइलैंड में। हाँ जी, यही आवाज निकली थी काफी सारी लड़कियों की वहां पहुंच के। सो फाइनली आई हैव रीच नील आइलैंड, और यहाँ पे आते ही आई गॉट दिस लेड बैक हॉलीडे काइंड ऑफ फीलिंग। आई थिंक ये हैवलॉक से ज्यादा खूबसूरत और शांत है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। सो अंदर चेक इन करते हैं, उसके बाद आई एम गोना शो यू दिस ब्यूटिफुल नील आइलैंड। तो होटल में पहुंचने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद, फाइनली मैं निकल गया हूँ सीतापुर बीच एक्सप्लोर करने के लिए, और अनलकीली मेरे को कोई भी स्कूटी यहाँ पे नहीं मिली जिसको मैं रेंट पे ले सकूँ, बिकॉज आज नील आइलैंड में काफी सारे लोग आए हुए हैं और ऑलरेडी जो भी स्कूटीज थी अवेलेबल यहाँ पे वो सब रेंट पे ले चुके हैं लोग। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्रैक करा जाए। फ्रॉम माई होटल सीतापुर बीच इज लाइक 1.7 किलोमीटर, आई एम जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स सीतापुर बीच। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस रियली वंडरफुल बीच ऑफ नील आइलैंड। मैं आपको दिखाता हूँ ये अमेजिंग बीच इन 1, 2, 3 गो। पिछले 2 घंटे से मैं इस बीच पे हूँ, और मेरे को अभी भी लग रहा है कि मेरे को वापस नहीं जाना है। इट्स दैट ब्यूटीफुल जो पानी है, पहले ग्रीन से शुरू होते हुए आगे डार्क ब्लू हो जाता है, और ये पूरा क्लिफ और उसके ऊपर पेड़, और दूर वहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है जो इस पूरे बीच की ब्यूटी को नेक्स्ट लेवल पे पहुँचा देता है। मैं और क्या बोलूँ, दिस बीच इज हेवन। Baba, it's beautiful. Abu Gatte. तो डे 2 की शुरुआत हो चुकी है, और फाइनली मेरे को मिल गई है स्कूटी, और इंडिया में सबसे महंगा रेंट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे स्कूटी का, 600 रुपए पर डे चार्ज करे उन्होंने मुझसे, बट एनीवेज इट्स ऑल गुड। सबसे पहले हम जा रहे हैं लक्ष्मणपुर बीच, वहाँ पे है नेचुरल ब्रिज, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जब वेव्स आती है तो वो उनको बीच में से काट देती है, तो वो एक नेचुरल ब्रिज का शेप फॉर्म कर लेते हैं। सो लेट्स गो। क्या ये डैम
It was actually really scary. So as compared to Havelock Island, जो ये नील आइलैंड है ये काफी छोटा है, ज्यादा कमर्शलाइज नहीं है ये आइलैंड, और आपको लगेगा आप एक छोटे से गांव में हो, जैसे केरला या कहीं का भी एक छोटा सा गांव है, कोस्टल गांव है, वैसा ही आपको फील आएगा। सो नेचुरल ब्रिज लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2 पर है, और ये ब्रिज एक्चुअली में एक डेड कोरल है, ना कि एक माउंटेन जैसे मैंने आपको बताया। कोरल्स को लिविंग रखने के लिए 24 आवर्स पानी चाहिए, और यहाँ पे 24 आवर्स पानी नहीं रहते सर, जिसके कारण सारे कोरल्स डेड हो जाते हैं जी। नेचुरल ब्रिज देखने के लिए ये डेड कोरल के ऊपर से चल के आगे जाना है। ओके, लेट्स गो देन। ये ब्रिज पूरा कोरल से बना हुआ है, कोरल का नाम है डेड माउंटेन कोरल, हर एक कोरल से अलग अलग नाम होते हैं। आगे जाएंगे बहुत सारे आपको लिविंग दिखाएंगे। एक्चुअली ये जो आइलैंड है ना सर, पूरा अंडर वाटर था। ओह, सो नेचुरल ब्रिज के अलावा बिकॉज ऑफ लो टाइड आप यहाँ पे लाइव कोरल, सी क्यूकम्बर और स्टारफिश इजीली देख सकते हैं, और गाइड के कहने पर उनको पार्ले जी भी खिला सकते हैं, बट मैं ये सोच रहा हूँ सॉल्ट वाटर में पार्ले जी कैसा टेस्ट करते होंगे। मैंने ये सोचा नहीं था इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आई थॉट कि ये सिर्फ नेचुरल ब्रिज ही दिखाएंगे, बट उसके पास जो ये एक्वाटिक लाइफ है और जो ऐसे खाना खिलाना, उनको बिस्किट खिलाना, एंड इट वाज लाइक सो गुड। सो नेचुरल ब्रिज के वहीं पे ही देयर इज दिस अनदर पॉइंट, नीमो पॉइंट जिसको हम कहते हैं, और उसको नीमो पॉइंट क्यों कहते हैं वो तो वहां पे जाके पता लगेगा। पानी के अंदर हाथ दीजिए। टू माई सरप्राइज नेचुरल ब्रिज के पास ही नीमो का घर है, जो अपने मम्मी और डैडी के साथ वहां रहता है, और एक्चुअली में क्लाउन फिश है। वैसे क्लाउन फिश के घर डीप सी में होते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस डीप शिट ऑफ लो एंड हाई टाइड ये नीमो का घर लो टाइड में एक्सपोज हो जाता है, और मेरे जैसे कुछ अनवॉन्टेड गेस्ट उसके घर रोज आ जाते हैं। लाइफ सक्स मैन। और उस साइड नेचुरल ब्रिज, और इधर है नीमो पॉइंट जो नीमो है उसका घर। तो अगर आप आते हैं तो नाउ यू नो के एग्जैक्ट लोकेशन क्या है नीमो पॉइंट की। सो अगर आप आते हैं तो गाइड कर लीजिए, 500 रुपी आपको पे करना है। अगर आप 4-5 लोग हैं तो सिर्फ 100 रुपए पर हेड पड़ेगा। सो देयर वाज नीमो पॉइंट एंड इट वाज रियली गुड। तो इसके बाद मैं निकला भरतपुर बीच के लिए, जो सिर्फ 5 मिनट दूर था नेचुरल ब्रिज से। तो अगर आप नेचुरल ब्रिज देखने आते हैं लक्ष्मणपुर में, तो कोशिश करिए जैसे ही लो टाइड होती है अराउंड 11:30-12 बजे आइए, बिकॉज अगर उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है। सो जेटी के बिल्कुल साथ में ही है ये भरतपुर बीच, और ये उसका रास्ता है, और यहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी होता है। अगर आप नील आइलैंड पे आए हैं और आपको स्कूबा डाइविंग करना है या वाटर स्पोर्ट्स करने हैं, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं वो। सो ये है भरतपुर बीच, और भरतपुर बीच पे काफी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है। एक जो चीज है ग्लास बॉटम बोट राइड, वो मैंने नहीं करी थी, वो यहीं पे होती है। सो इट वुड बी लाइक रियली न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मी। सो चलते हैं वहाँ पे, लेट्स सी। मिनट की ये राइड एक नंबर थी बाबा, पानी बहुत ज्यादा साफ था और बिना डूबे सारी गहराइयां दिखा दी भाई ने। सो वो था ग्लास बॉटम बोट राइड, और अगर आपको स्कूबा नहीं करना है और आपको स्विम भी नहीं आता है तो आप स्नॉर्कलिंग भी नहीं कर सकते हैं, देन इट इज परफेक्ट फॉर यू। बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं और उनको एक्वेटिक लाइफ देखना है, बट उनको स्कूबा भी नहीं करा सकते हैं, देन गो फॉर इट। और मैं हिल क्यों रहा हूँ, बिकॉज मेरे नीचे की धरती हिल रही है। वो क्यों? बिकॉज आई एम ऑन दिस ब्रिज। ये पूरा लंबा ब्रिज है जो डीप जाता है सी के अंदर। मैं शोर से इतना दूर आ चुका हूँ, और अभी ये बहुत ज्यादा दूर और है। So let's go. So this is the end of this floating bridge. और काफी ज़्यादा दूर है और बीच से शोर से, but it is so good standing on the last point of this amazing Bharatpur beach.
बाबा दिस भरतपुर बीच इज लाइक टोटली चिल। यहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट कर सकते हैं, फ्लोटिंग ब्रिज पे बैठ सकते हैं और ऐसे नींबू पानी और नारियल पानी। सो इट्स तो ये था भरतपुर बीच और इसके बाद हम जा रहे हैं लक्ष्मणपुर बीच। अभी तक नील आइलैंड में जो भी सारे बीचेस थे वो बहुत ज्यादा अमेजिंग थे, चाहे वो सीतापुर बीच हो चाहे वो भरतपुर बीच हो, नील आइलैंड इज रियली गुड। सो दिस इज द एंट्री फॉर लक्ष्मण बीच 1। इट्स फेमस फॉर सनसेट। यहाँ पे इनकी पार्किंग वगैरह होती है, कार पार्क यहाँ पे थोड़ा आगे कर सकते हैं। सो दिस इज लक्ष्मणपुर बीच। इट्स काइंड ऑफ अ थिएटर, यहाँ पे ऊपर पीछे टेबल लगी हुई है कि आप बैठ के आराम से सनसेट देखें, और फिर यहाँ पे ऐसे लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। अच्छा सनसेट कौन मिस करना चाहेगा, बहुत ज्यादा क्राउड है यहाँ पे। आई थिंक मे बी बिकॉज ये है इतनी अच्छी जगह, यहाँ से एक्चुअल में सनसेट बहुत अच्छा दिखेगा, बादल भी थोड़े कम है एंड इट विल लुक रियली गुड। सो लेट्स चेक दिस आउट। सनसेट तो आगे बहुत होंगे पर ये शाम फिर ना होगी, यही सोच के सन के साथ मैंने अलविदा कहा इस खूबसूरत नील आइलैंड को, क्योंकि अगली सुबह मुझे निकलना था अंडमान के लास्ट स्टॉप पोर्ट ब्लेयर के लिए।